यहाँ एक वर्ड लिखा है न्यूबिस पेटिक, क्या है इसका मतलब? स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों के अध्ययन को न्यूबिस पेटिक बोलते हैं। नहीं पता वो तो लिखो कहीं पर इसे, न्यूमिसमैटिक स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, ओके, जनरल स्टडी की क्लास है अपनी। आज से हम एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, जीएस के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमी। आ जाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, इंडियन इकोनॉमी या ये जो है कहाँ कहाँ कितने काम का है वो देख लो। पीटी, अगर प्रिलिमिनरी आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो ये आपका कुछ काम का नहीं, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स है। इवन पहले तो सिलेबस में था, अब तो सिलेबस से भी हटा दिया है। जो नया सिलेबस आप देखेंगे उसमें इंडियन इकोनॉमी नहीं है, उसमें इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की। क्या है पीटी? मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट। इस सब्जेक्ट की क्या है सिर्फ? घर से सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ना घर जाके अगर नहीं पढ़ा हो तो। सिलेबस में सिर्फ कौन सा सेक्शन है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। आगे बात समझ में? तो लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्जाम देंगे तो वहां पर 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमिक्स से आते हैं। कहाँ से आते हैं? 15-20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स। इसमें ज्यादातर चीजें आती है करंट स्कीम। क्या आती है? समसामयिक की घटनाएं या जो करंट अफेयर्स की स्कीम्स हैं वो ज्यादातर आती है। कोई भी स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई तो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। आगे बात समझ में? पीटी मेंस की अगर हम बात करते हैं, मुख्य परीक्षा, तो इसमें दो तरह से आप इसे देखेंगे। एक तो मुख्य परीक्षा अभी 2019 होने वाली है। कब होगी? कब? अप्रैल, ठीक है। तो ये जो मेंस होगा आपका, इसमें आप ही जो पढ़ेंगे वो सिलेबस में कहाँ है? तो जीएस पेपर नंबर 3 पार्ट नंबर बी। कौन सा है? जो लोग ये वाला मेंस देंगे वो यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें वो उसको कहाँ पढ़ना होगा? अब जो लोग 2020 के लिए हैं, जो कि मैक्सिमम है आई थिंक 2020, उनका ये जो सब्जेक्ट है वो है आपके जीएस पेपर नंबर 2 में पार्ट नंबर बी। कौन सा पार्ट है? पार्ट बी दोनों में ही था, तो जो थर्ड था वो 2 में डाल दिया उन्होंने। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है क्या? बस इधर उन्होंने क्या करा है, 5 यूनिट बना दी। क्या बना दी हैं? और इधर यूनिट का कोई खेल नहीं। ये वाला पेपर दे रहे हो तो टॉपिक को 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करो। ये वाला दोगे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर। इज इट क्लियर? हर यूनिट से यहाँ ये चेंजेस हैं अभी के मेंस में और 2020 या उसके बाद वाले मेंस। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फॉर्चुनेट ये है कि कॉमन है, बस उसकी लोकेशन चेंज हुई है और कुछ डेटा में रीसफलिंग कर दी उन्होंने, दैट्स इट। इकोनॉमिक्स का स्कोप कितने लोग को समझ में आ गया? ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इस बार भी नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। खैर हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, क्रैश कोर्स में। तो
क्योंकि हर बार कम भी पॉसिबिलिटी रहती थी, लेकिन 2020 के सिलेबस से उन्होंने इसे 2020 पीटी स्टेट पीएससी में इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ कौन सी इकोनॉमी है, एमपी। अब एमपी की इकोनॉमी में क्या आएगी, एमपी की कृषि आ जाएगा, एमपी के उद्योग आ जाएंगे, मध्य प्रदेश में पशुपालन आ जाएगा, मतलब वो एक्टिविटी जिससे लोगों की पैसे आते हैं, आय होती है ना, वो क्या है। तो एमपी के सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स दी है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ के बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनांकिकी और जनगण, इससे तो इस बार भी क्वेश्चन थे। दूसरा है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। तीसरा, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। चौथा है मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। पहला पॉइंट है सेंसस एंड डेमोग्राफी ऑफ एमपी। दूसरा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एमपी। थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एमपी एंड मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। फोर्थ है मेजर ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ या रन बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो यूनिट नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी डील करता है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। 2020 के सिलेबस में यूनिट नंबर कौन सी है प्रीलिम्स में, 5 का पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर बी में क्या, कौन सा यूनिट, हाँ वो उन्होंने उसके पॉलिटी के साथ कॉन्टेक्ट करके दे दिया है। इंडियन इकोनॉमी के वो पॉइंट रहेंगे आकांक्षा इसमें, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव हुए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर रही है। उसमें उसमें जो पॉइंट दिए वो भी हम पढ़ के बता दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में ये वो पॉइंट है जिनको आप एज इट इज इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ संस्थाएं दी हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडियन ज्योग्राफी इंडियन इकोनॉमी में, वो ये हैं, जैसे एक आरबीआई दिया है, बैंक्स दिए हुए हैं और सेबी दिया हुआ है और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली अलग से इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं रखा है, पॉलिटी के साथ यूनिट में उसको, मतलब अलग से कोई यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, है बता दे रहे हैं वो किसके साथ है, यूनिट नंबर 6 पॉलिटी के साथ ही उन्होंने क्या दिया है। और जनरली वो इंस्टीट्यूशन दिए हैं जो कि आप ज्योग्राफी के साथ भी उनको पढ़ लेते हैं, आपको इंडिविजुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपके मेंस में पूरे कवर हो जाते हैं, कहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसलिए इसको प्रीलिम्स में अलग से वेटेज उन्होंने दिया नहीं है। इज इट क्लियर, ये है आपका पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे जिसकी ऑलमोस्ट 60 क्लास तो एटलीस्ट आपकी होंगी होंगी, कितनी क्लासेस, लेकिन 60 क्लास जब हो जाएंगे उसके बाद आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अब थर्ड जो लेवल है वो आपका क्या है, इंटरव्यूअर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी, क्योंकि इसका मैक्सिमम फोकस होता है करंट के ऊपर। इसके ऊपर होता है अधिकांश फोकस, करंट या करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें करती हैं, कोई भी स्कीम्स बनाती है, तो पैसे से बिना पैसे के कुछ काम होता है क्या, हर चीज़ के लिए या तो उन्हें फंड लगाना पड़ता है या पब्लिक से वो टैक्स कलेक्ट करती हैं या किसी दूसरे नेशन से लोन लेती हैं, जो भी कुछ है वो सब कुछ इससे रिलेटेड है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है ना, ऐसा मानते हैं, 5 जो सबसे पुअर स्टेट है उनमें एमपी भी, तो आप वहीं से हो तो आप मध्य प्रदेश की इस बिगड़ी हुई इकोनॉमी को कैसे ठीक करोगे, क्या आइडिया है आपके पास। तो अभी तो ऐसे कोई आइडिया नहीं होंगे, लेकिन जब आप नो डाउट पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज आएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा वो सेक्शन है जो वीक है हमारा, पुअर है, उसको हमें क्या करना है, आगे ले जाना। जैसे क्रैश कोर्स की क्लासेस जब हुई थी तो हमने बताया था इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की अर्निंग बढ़ेगी,
अर्निंग बढ़ेगी तो लाइफ का स्टेटस बढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे, अच्छा खाना खा सकेंगे, अच्छी जगह रह सकेंगे, अच्छा खाना खाएंगे हेल्दी रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव, क्रिमिनल तो एटलीस्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरह से वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या इनिशिएट करोगे कि देश मध्य प्रदेश की स्थिति सुधर जाए। हाँ, तो उसके लिए अब तो अपन ये तो नहीं कर सकते कि समुद्र को लाके एमपी के चारों तरफ बिछा दे, है ना, तो वो तो नेचुरल है। ऐसे मध्य प्रदेश की तरह और भी ऑलमोस्ट 6 स्टेट है जो लैंडलॉक्ड है। हम क्या कर सकते हैं, टनल्स बना सकते हैं यहाँ पर। टनल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे फ्लाईओवर बनाते हैं टनल्स, तो सब्स्टिट्यूशनल ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करें मध्य प्रदेश। टनल मतलब सुरंग। मेट्रो अभी आ रही है, अप्रिशिएटिंग जो है इनिशिएटिव है इंडियन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर। इवन फिर क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स वो उन्होंने ले लिया, इस स्कीम के जो है कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं कि वीक, जिसकी वजह से स्कीम अच्छे से काम नहीं कर पा रही, या एमपी में कुछ करना है जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन ही इन्होंने बोला डेवलप करना है, तो आप कौन से नए इनिशिएटिव लेंगे, है ना। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही आंसर होता है कि हम खुद से कुछ भी नहीं लेंगे, सारे इनिशिएटिव मौजूद है, बस हम उन्हें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सारी योजनाएं बन चुकी हैं, सारे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, लेकिन उनका बस दिक्कत कहाँ पर है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं, जो पुराना है उसको व्यवस्थित तरीके से लागू करने की जरूरत है। अगर आप क्या करोगे, वो आपसे आपकी साइकोलॉजी जानना चाहते हैं। आप बोलोगे कि नहीं हम ये काम करेंगे, ये योजना लेकर आएंगे, तो उनको लगता है कि आप सरकार के खर्च और बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कि जो अभी मितव्ययी था, एक प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा मितव्ययी होना चाहिए, कम खर्चीला, सरकार के पैसे को अपना पैसा समझो। अगर ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें हैं तो उन्हीं में काम को करने की संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज आप तलाशिए, ना कि आप नए नए से यहाँ पे लॉन्च कर दें कि नहीं ये स्कीम बना दीजिए, वो कर दीजिए, ये कुछ नहीं करना है उधर पर। तो आप यही बोलेंगे कि जो है उसी को हम व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी पूछे कि आपको क्या कमियां लगती है मध्य प्रदेश के परिवहन में, तो फिर आप ये कि मध्य प्रदेश पठारी राज्य है, इसलिए हर जगह रेलवे परिवहन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ टनल्स बना सकते हैं जिसके जरिए हर क्षेत्र में रेलवे परिवहन को प्रोवाइड किया जा सकता है, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है उसको भी लेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम मध्य प्रदेश में जो है जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, चूँकि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए यहाँ पर नदियों के जरिए भी हम परिवहन को प्रमोट कर सकते हैं। नर्मदा रिवर एक नेविगेबल रिवर है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ों को क्या करना है, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ना कि कुछ और नए बिल बना दिए आपने सरकार के नाम, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से इतनी बातें समझ में आ गई हैं, कहाँ आपके सिलेबस में है, कितना कितना पॉइंट है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पूछी जाएगी। इंडिया की जो इकोनॉमी है आपके सिलेबस में, वो ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट के थ्रू कवर हो जाएगी, प्लस मेंस के लिए जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। और अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पीटी में, चूँकि एमपी की इकोनॉमी तो आती ही आती है, पीटी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और मेंस में 150 नंबर का आती है इकोनॉमिक्स, आप आराम से 130 प्लस जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ गए ना, बिल्कुल बढ़ गए, मार्किंग कम हो गई है। 5 यूनिट है, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन, कितने 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 1 से 3 कितने क्वेश्चन, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 11 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 यूनिट से 3 और 2 5 और 1 6 क्वेश्चन, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन, तो 5 यूनिट से कितने,
30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में? 30 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, ठीक है। इधर किसने, इधर कितने क्वेश्चंस रहते थे? तीन तीन नंबर के 30 क्वेश्चन रहते थे, छः छः नंबर के 20 क्वेश्चन, पंद्रह पंद्रह नंबर के 6 क्वेश्चन होते थे ना। पार्ट वन में तीन, पार्ट वन में तीन, पार्ट वन में 10, पार्ट बी में, पार्ट वन में टोटल कितने हो गए? 30 और 20 50 और ये 56 क्वेश्चन। अभी ये सिर्फ हम एक यूनिट, एक पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन? पार्ट ए में, इधर हमने दोनों पार्ट का मिला दिया, पार्ट ए में 30 क्वेश्चन, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बढ़ा दिए? 4 क्वेश्चन बढ़ गए, ठीक है। ओके, इधर आपको कितने कितने वर्ड्स लिखना पड़ता था? यहाँ आपको 20 वर्ड्स लिखना पड़ता था हर में, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी मर्जी। तो कितने वर्ड्स हो गए 30 क्वेश्चन में? 600 वर्ड्स। यहाँ आपको 100 वर्ड्स लिखना पड़ता था, कितने हो गए? 2000। यहाँ आपको 300 वर्ड लिखना पड़ता था, कितने हो गए? 1800 वर्ड्स हो गए ना टोटल। 00 8 और, हाँ 8 और 6 कितने हो जाए? 4400। यहाँ आपको कितने वर्ड्स लिखने पड़ते थे? बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति थी, कम से कम इतना उन्होंने बोला था कि इससे ज्यादा आपको, बाकी हर व्यक्ति अपने हिसाब से लिखता है, कितना भी उसको समझा लो। तो 4400 वर्ड्स। अब इधर पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा? इधर पर अपने को लिखना पड़ेगा 10, एक लाइन का बोला है उन्होंने। तो यहाँ तो 10 में कुछ नहीं, 20 तो लिखने पड़ेंगे हमसे। 20 वर्ड्स मतलब कि कितना? जो न्यू पैटर्न है 2020 का, उसमें अपने को वर्ड्स पर देखना है। तो तीन तीन नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास? टोटल पूरे पेपर में तीन तीन नंबर के दोनों यूनिट को, हाँ तो पूरा पेपर है ना 300 नंबर का लेके चल रहे हैं अपन। 30 क्वेश्चन हो गए, कितने मार्क्स के? 600। तीन तीन क्वेश्चन है और टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 30 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन में आपको कितने वर्ड्स लिखना है? कितने वर्ड्स हो गए? पहले ही जैसा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स के, पूरे 10 यूनिट में 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कितने वर्ड्स? कितने हो गए? 1000 वर्ड्स। नेक्स्ट है 11 नंबर के कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने हो गए? कितने वर्ड्स? वर्ड लिमिट रिड्यूस हो गई, लेकिन मानेंगे कहाँ लोग, उनने तो कर दे रही, लेकिन यहाँ तो भर भर के लिखने की आदत है ना। कल शायद हमने एक पॉइंट बोला था कि जितना अधिक आपको आता है आप उतना कम लिख सकते हैं, जितना ज्ञान आपके पास है आप उसको उतना ज़्यादा संक्षिप्त कर सकते हैं, और जितना कम आपको आता है आप उतना फेंक सकते हैं। तो जिसको जितना कम आता है ना वो फालतू की बातें लिखता है, जिसको जितना ज़्यादा आता है वो सिर्फ काम की बात लिखता है। तो आपको सिर्फ इसलिए ज़्यादा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखो। वर्ड्स लिमिट्स क्या हो गई है? ज़्यादा से ज़्यादा 4000 तक भी जाओ आप, ठीक है। तो इतने वर्ड्स में आपको अपना पूरा आंसर। तो क्वेश्चंस भले ही उन्होंने बढ़ा दिए हैं, लेकिन आपकी राइटिंग जो है वो सुधर सकती है, आप कम शब्दों में अच्छे से अच्छी चीज़ें इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, इसको लिख लो कहीं पर,
वर्ल्ड लिमिट्स। अब टाइम भी अभी बना डिसाइड करेंगे कितने समय में करना है हमें। क्या अब तो संभावना नहीं लग रही। हाँ कम से कम 4 से 5 साल। हाँ 13 में हुआ था चेंज, मतलब 14 में चेंज का एग्जाम 14 में हुआ था। उस समय सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल लेने पड़ते थे। आप जीएस के 2 पेपर होते थे, ऑप्शनल का एक एक होता था, एक हिंदी का होता था। जो नया पैटर्न है उसमें 3-3 नंबर के 30 क्वेश्चन, 5-5 नंबर के 20 और 11-11 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। पूरी 10 यूनिट को मिलाकर बात हम कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को। और पूरे पेपर में आपको लगभग 4000, मतलब पार्ट ए में 2000 शब्द और पार्ट बी में, मतलब हर यूनिट में कितने वर्ड्स, 10 से डिवाइड कर दो 4000 को, हर यूनिट में 400 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और 400 वर्ड्स लिखने में कितना समय चाहिए आपको? हाँ 15 मिनट एक यूनिट में, तो 10 यूनिट में 8 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समय भी हम देख लेते हैं कि आप एक यूनिट 5 यूनिट है टोटल या पूरे में 10 यूनिट है, समय कितना है आपके पास? जो टाइम है वो है 3 आवर्स। कितना है पार्ट ए के लिए? 1.5 आवर। और पार्ट बी के लिए 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब टोटल कितने मिनट? 90 मिनट यहाँ पर और 90 मिनट, जिनमें से 10 मिनट आप निकाल दो वो आपके होते नहीं है। इसलिए नहीं होते क्योंकि पेपर पढ़ोगे समझोगे, ये लिखने का टाइम है। अब पढ़ रहे हो वो उसमें थोड़ी ना हम ऐड करेंगे, प्लस अदर फॉर्मेलिटीज करवाई जाती हैं उधर पे। तो 10 मिनट आप बचे कितने के पास? आपके पास 170। कितने मिनट बचे? 170। अब 170 मिनट को आप डिवाइड कर लो 5 यूनिट 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है? एक यूनिट के लिए आपको कम से कम कितना मिनट है? एक यूनिट सॉल्व करने में सिर्फ 17 मिनट है। 17 मिनट इज इक्वल टू 30 मार्क्स। कितने मार्क्स? पुराना समय तो हम बता ही चुके थे आपको, ये सबको याद होगा पुराना वाला, 1 मिनट 4 मिनट और 10 मिनट, ये हमने पहले ही बता चुके थे, 1 मिनट 4 मिनट और 10 मिनट। इज दैट क्लियर? तो वो पुराना तो टाइम अपने पास है, नए वाले में हम खोज रहे हैं क्या करें। तो इसमें आपको एक यूनिट में कितने मिनट मिल रहे हैं? 17 मिनट मिल रहे। ठीक है, जब एक यूनिट में 17 मिनट मिल रहे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 नंबर के क्वेश्चन पे पूरा 1 मिनट देना चाहिए, क्योंकि कम मेहनत और 3 में से फुल आउट ऑफ फुल एक ही जगह मिलेंगे आपको, वो है 3 नंबर। इसलिए उधर पूरा का पूरा पुरानी स्ट्रेटेजी 1 मिनट। अब जो कौन से नंबर के हैं? 5-5 नंबर के। कितने प्रश्न है हमारे पास? 2 प्रश्न। इसको हम कितने मिनट दे सकते हैं? इसको हम पहले हम इसको 4 देते थे, तब हमें 100 वर्ड्स लिखने पड़ते थे। अब वर्ड्स आधे हो गए तो हम इसे 3 मिनट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बोर्ड हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो अभी नया पैटर्न है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है 3 मार्कर, उनमें हम टाइम लें 1 मिनट। ठीक है,
जो हमारे पास 5 मार्कर है उसको हम सॉल्व करें, सही मिनट, और जो हमारे पास 11 मार्कर, कितने हो गए, 4 मिनट ये हो गए, बचे कितने, 17 में से 13 मिनट्स। अब हमारे पास बहुत ही अच्छा समय है कि हम 11 नंबर के प्रश्न को, क्योंकि 11 नंबर के प्रश्न से एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। उन्होंने वर्ड लिमिट इसलिए कम करी ताकि हम क्वालिटी इन्हेंस कर सके। पहले क्या करते थे, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी नहीं दे पाते थे, अब हम क्या इन्हेंस करें, क्वालिटी। राइटिंग बिगड़ जाती है लास्ट में जाकर स्टूडेंट्स की, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, तो वो चीज़ यहाँ पर सुधरे। तो हम 11 नंबर के क्वेश्चन को कितना मिनट दे सकते हैं, जो कि सफिशिएंट है। 11 में आराम से 9.5-10 नंबर आप ला, क्यों, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, ये 1 मिनट टोटल, नहीं तो टोटल 1 यूनिट में हमने 17 मिनट डिवाइस करे हैं, 1 यूनिट, हाँ 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो 6 मिनट यहाँ चले गए, हाँ ये चीज़ अपन ने नहीं देखा, 3 हाँ तो ये अच्छा 3 मिनट इधर चले गए अपने, ठीक है, और यहाँ 6 मिनट, अब बचे कितने, 8 मिनट, हाँ हाँ ठीक है, 8 एक ही क्वेश्चन है तो 8 मिनट पर्याप्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3, 6 और 8, ये भी लिख लो जो 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 3, 6 और 8 सफिशिएंट है 8 मिनट 200 वर्ड लिखने के लिए। पहले 10 मिनट में 300 वर्ड लिखवा रहे थे, अब 8 मिनट में तो काफी कमी हुआ है, आप अब जो लिख रहे हैं उन्हीं का फायदा है। हाँ पर क्वेश्चन के, हाँ 3 नंबर के 1 क्वेश्चन को 1 मिनट, क्योंकि 1 यूनिट में 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, इसलिए 1 यूनिट में कितने खर्च हो गया, 1 यूनिट में 3 नंबर पे 3 मिनट, उसी यूनिट में 5 नंबर पे 6 मिनट, उसी यूनिट में 11 नंबर पे 8 मिनट। हाँ हिंदी में, हिंदी के पेपर में तो 200 नंबर का पेपर रहता है और 3 घंटे का टाइम रहता है, इतना इजी पेपर होता है हिंदी का, 3 घंटे का टाइम, आप समझ रहे हैं, 1.5-2 घंटे में हो जाता है कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम को दिक्कत होगी लेकिन 3 घंटे बहुत है। आप संधि समाज में सिर्फ एक एक लाइन लिखनी होती है आपको, ठीक है, अब बीएससी की बात उधर ही करना है, यहाँ पे नहीं करूँ, ठीक है, अब इनको पुराने दिन आते जाते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, 3, 6 और टोटल कितने मिनट हो गए, 1 यूनिट को 17 मिनट आपको देना, किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम नहीं देना है, सभी यूनिट की अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन विज्ञान की 7वीं यूनिट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, क्योंकि पूरी 10 यूनिट सिर्फ विज्ञान है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कुछ भी याद नहीं आएगा। विज्ञान का पेपर जो है, अभी जो लोग 2020 का देंगे उनकी बात हम कर रहे हैं, अपन तो यहाँ सब पढ़ेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एग्जाम की हम कि 30 में से अगर आप 3-3 के और 5 के बना लोगे तो ही पर्याप्त है। ये सारे पॉइंट लिख लिए सभी ने, इज दैट क्लियर? तो हमने जैसा एक पॉइंट बोला कि पढ़िए ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्रश्न कम वर्ड्स के या कम मार्क्स के हैं तो हम आपको चीज़ें कम कम पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना कम पढ़ोगे लिखने की कोई डेटा ही नहीं होगा आपके, तो पढ़ेंगे हम ज़्यादा ही डीप पे, और फिर आपकी ये जवाबदारी है, ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक को हम सिर्फ 3 नंबर में लिखवा के छोड़ दें आपको, ऐसा नहीं है, अपन पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, अब उधर से 3, 6 और 11
या 3, 6 और 15 और 3, 5 और 11 निकालने की जवाबदारी आपकी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत कम से कम, कल हमने आपसे बताया था 6 घंटे आपको पढ़ना है। कोई है ऐसा जिन दर्शन करना चाहेंगे जिसने पढ़ा 6 घंटे जाके? हाँ बहुत बढ़िया। और कोई? अपन ने 6 मिनट 1 घंटा पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, पढ़ा है 1 ही घंटे, 6 घंटे पढ़ना है, 5 और बढ़ाओ। अभी शुरू नहीं करा, कब करेंगे? जल्दी करो। करंट पढ़ा कम से कम 6, 2 घंटे भी कुछ नहीं, 2 घंटे सिर्फ लिखना है आपको। क्या करना है? जो टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ के गए हो उसी को लिखो। ऐसा नहीं है जैसे कि आपका आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं लिखना शुरू करूंगी, तो ये तो बहुत ही देर हो जाएगी आपको। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अभी, मान लीजिए हाँ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, तो देखो मेंस में उससे कौन से प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्न को लिखो। लिख के खुद ही चेक करो या किसी को दे दो चेक करने के लिए, हमें दे दो हम करके दे देंगे। चेक करो और फिर ये देखो कि हमारी गलती, अगर आप खुद अपनी लिखी हुई चीज़ को खुद से जज करते हैं तो इससे अच्छी चेकिंग कोई नहीं हो सकती। अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो पहले अपने आप को सुधार लो, उसके बाद फिर वो कॉपीज जब आपको लगे कि मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस कॉपी में कोई कमी है, अब एकदम तैयार हूँ मैं, ठीक है, तो फिर वो कॉपीज हम तक पहुँचा दो, ठीक है, तो फिर हम देख लेंगे क्या है आगे की कहानी। ओके, और जो भी कमियाँ रहेंगी वो हम आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। लिखना शुरू करो, 6 में से 2 घंटे सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस, और राइटिंग घड़ी लेके बैठो, क्या करके बैठो और उसके हिसाब से लिखो, लेकिन लिखने से पहले उस विषय का गहन अध्ययन करो। क्या करो? डीप स्टडी। फिर इस समय में अपने आप को इस समय के अंदर लेकर आओ, और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया उस दिन आपका मेंस निकल गया, भले ही आपने परीक्षा नहीं दी हो, ठीक है। मेंस ज्ञान का कम और आपकी स्ट्रेटेजी की ज्यादा परीक्षा है। ऐसे राइटिंग में वर्ड्स 1750 वर्ड्स। हुआ ये कि एक ऐसे हटा दिया, एक ऐसे की प्लेस पर उन्होंने ड्राफ्ट राइटिंग ला दिया, प्रारूप लेखन, पत्र लेखन। सर जैसे आप छुट्टी के लिए आवेदन देते थे ना, इधर वहां नहीं है, सरकारी कार्यालयों में पत्र आचार, पत्राचार कैसे होता है, परिपत्र क्या होते हैं, हर पत्र का एक मीनिंग होता है। जैसे कभी बोल रहे ना कि हमने सर्कुलेट जारी कर दिया, ये परिपत्र, सर्कुलेट का मतलब क्या है, एक सरकारी लेटर, ऑफिशियल लेटर होता है सर्कुलेट, इसका मतलब होता है कि वो जानकारी जितने भी लोग हैं उन सब तक पहुंच के वापस जहां से शुरू करा उधर पर, यानी इसको सर्कुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इंडिविजुअली हर किसी के अटेंशन के लिए होता है वो सर्कुलेट होता है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। हाँ तो वो भी तो सरकारी है, अगर सरकार में काम कर रहे हैं, अगर जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो सरकारी नहीं होगी, उनका लिखने का तरीका सरकारी नहीं होगा, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि इतने बजे से स्कूल खुलेंगे या बंद है, या इस डेट को स्कूल बंद रहेंगे, तो वो आदेश आप पढ़ोगे ना तो पसीने छूट जाएंगे, ये आदेश है कि ये सजा है, है ना, बस तारीख देख लो कौन सी तक छुट्टी है, बात खत्म। पूरा वो शुरुआत, उसकी जो शुरुआत की 2 लाइनें होती हैं उसमें 6-7 तो ऑब्लिक बने होते हैं, और ऑब्लिक का मतलब है कि हर वर्ग, मतलब सबके लिए है, ऐसा करके डेट, हर चीज का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, लैंग्वेज बहुत अलग होती है, तो वो चीज आप पत्र लिखने में सीखते हैं। और वो कितने मार्क्स का है आपका? आई थिंक 25 नंबर का है ड्राफ्ट राइटिंग। पहले ये हिंदी में था, हिंदी के पेपर को और सरल कर दिया उन्होंने, अब ये कहाँ चला गया? ऐसे राइटिंग। और एमबीएस में सिलेक्शन की सिर्फ एक ही ट्रिक है जो कि शायद हमने पहले भी बताई होगी। क्या बताई? एच डबल ई, एच से हिंदी, ई से एथिक्स,
और ई से ऐसे। ये तीन अगर आपके शुरू हैं, ये तीन अगर आपके अच्छे हैं तो आपको मेंस में टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सेलेक्ट तो आप हो जाओगे, लेकिन रैंकर आप तभी बनोगे जब इन तीन विषय पर आपकी कमांड होगी। हिंदी के पेपर में 200 वर्ड, 200 मार्क्स, आप आराम से 180 प्लस ला सकते हैं। कितने देखे हैं हमने मार्कशीट में, 180 प्लस, 190, 192, 193। आप स्कूल में पढ़ते थे, आपके कितने नंबर आते थे हिंदी में? आ जाते थे 90, कितना परसेंट? 90% था। तो इधर पे भी तो हम वही उम्मीद कर रहे हैं ना आपसे। इधर पे कुछ गलत लिखा है क्या? कोई ऐसा जो हिंदी में फेल हुआ हो? कभी नहीं हुए, हिंदी में अच्छे मार्क्स रहे हैं हमेशा। क्यों रहे हैं? क्योंकि जो सिलेबस था वो हम पूरा रटा होता था और जाके लिख देते थे। जैसा स्कूल की हिंदी थी ना, 100% ये हिंदी भी वही है। जैसे वहां आप 90% स्कोर कर सकते थे, यहाँ भी आप 90% स्कोर कर सकते हैं। कितना परसेंट? 90%। और 180 कितने मार्क्स होते हैं? 90% ही तो हुआ ना। आराम से आप ला सकते हैं इतने नंबर। स्टूडेंट्स के स्कूल में 100 में से 100 नंबर भी आए हैं हिंदी में। कभी आपकी क्लास में आए होंगे किसी के 96, 97, तक तो आप सबके ही आ गए होंगे। ठीक है, संस्कृत में पूरे आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 50 में से 48, 49 नंबर आते ही थे, आते ही थे, हर बार आते थे। जबकि हम संस्कृत को अभी कितना डिफिकल्ट मानते, क्योंकि जो चीज़ें थी वो याद है, वही लिख कर आ जाओ, नंबर मिल गए। ये भी वैसे ही सब्जेक्ट है एग्जैक्टली। हिंदी को पता नहीं क्यों इतना हवा बना कर रखा कि अरे हिंदी ऐसी, हिंदी वैसी है। मातृभाषा है, चाइल्डहुड से हम सुनते बोलते और समझते आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, हिंदी के पूरे प्रश्न सही होंगे आपके। जैसे मैथ्स होती है ना श्योर शॉट मार्किंग, वैसे ही हिंदी होती है। तो एक ये सब्जेक्ट है जो आपको टॉप रैंक कर ले जाएगा। जिस केस में कम नंबर है उसको रैंक अच्छी नहीं मिलेगी। तो एक ये सब्जेक्ट है दूसरा। और इसमें अच्छी बात यह है कि 2 घंटे 200 नंबर का पेपर सॉल्व करने में आपको, इंग्लिश मीडियम के भी हो, धीरे धीरे भी लिखते हो, तब भी मोर देन इनफ है। अब तो और इजी बना दिया है, लेटर राइटिंग को ऐसे में डाल दिया है, एक ऐसे कम कर दिया है, तो और पॉजिटिव है। दूसरा पेपर होता है 170 प्लस। एथिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80-85% आराम से स्कोर कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? एथिक्स। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। थिंकर अकेले से 70 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 5 साल के पेपर एनालाइज करो आप। इवनिंग के बैच में किसी ने पढ़ी एथिक्स? पढ़ाई थी हमने यहाँ से। हाँ, तो उसमें थिंकर्स पूरा पेपर, मतलब कि 70% क्वेश्चन, बाकी 65 नंबर के केस स्टडी। 70 और 65 कितने हो गए? 135 हो गए। अब बची हुई 4 यूनिट, अभी 5 यूनिट है टोटल, बची हुई 3 यूनिट जो है उससे आपको कितने नंबर लाने हैं? 135 तो आपके आ गए, ये समझो कि वो नंबर आपके हैं। कितने लेकर आने? ठीक है, मतलब 135 तो 2 यूनिट से अकेले हैं, अब आपको 170 लेकर आना है, तो कितने और लेकर आएंगे? 35 और चाहिए? 35 और 35। सी सेट पढ़ लिया करो कभी कभी। 35 और लेकर, नहीं उनका वो बोले 5 35 और लेकर आने, तो क्या 3 यूनिट पढ़कर 35 नंबर नहीं ला सकते आप? हर यूनिट से 30 नंबर है, तो तीनों को मिलाकर 30-35 नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना। तो ये क्या हमारी है ना कप ऑफ टी, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, हम इसमें क्या कर सकेंगे, स्कोर कर सकेंगे। एक ये सब्जेक्ट है, इसके नाम से ही लोग डरते घबरा के भाग जाते हैं, जबकि इससे सरल कोई सब्जेक्ट जो आप हो और जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हो। ठीक है, कि उसने हमारे साथ गलत करा, तो क्या आपने किसी के साथ गलत नहीं करा? तो क्या क्या चीज़ें गलत है, कौन कौन से बैड कंडक्ट है, वही तो सब एथिक्स पूछता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे जितना आपने GS पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 में पढ़ा, उसी का एक निचोड़ GS पेपर आपका पेपर नंबर 6 है।
पांच तक जो भी चीजें हैं उसी का कंक्लूजन पेपर नंबर 6, बस थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस, कंटेंट, दैट्स इट। ऐसे होता है 100 नंबर का। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया है इस बार, अभी जो नए अभी पेपर होगा वो तो 103 ऐसे ही रहेंगे, इस बार क्या करा उन्होंने 75 का ऐसे कर दिया और 25 का ड्राफ्ट राइटिंग। 2 निबंध है, निबंध एक 50 नंबर का है और दूसरा 25 नंबर का, ठीक है। तो 75 और ये 25, इसमें तो ये गारंटी है कि 25 में से 25 आपको मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। कितने, अगर आपको ड्राफ्ट लिखना आता है तो आप तो पूरे में से पूरे स्कूल में मिलते थे ना। हाँ दो है ना, 25, एक 15 नंबर का, एक 10 नंबर का, ठीक है। तो इसमें से पूरे आपके निबंध में आप किसी भी कंडीशन में 60 तो ले ही आओगे 75 में से, ठीक है। कितने ला सकते हैं हम, 60 तो एटलीस्ट ला ही सकते हैं, ठीक है। तो 60 ये और 25 कितने हो गए, 85। तो 80 से 85% स्कोरिंग आपके लास्ट पेपर में होनी चाहिए। लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं। क्या मांगते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 99% स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो शुरू के 3 पेपर में पूरा दिल और जान से मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ उनको कुछ मिलता नहीं है। क्या नहीं है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन उससे अगर 10% मेहनत भी अगर लास्ट के 3 पेपर में वो कर ले तो उनके नैया पार हो जाती, ठीक है। जैसे अपन ने क्रैश कोर्स की तैयारी उल्टे तरीके से करी थी कि पहले वो सेक्शन जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो सेक्शन जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही ये भी है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लास्ट के 3 पेपर और शुरू के 3 एवरेज। शुरू के 3 में आप अपना सीने से निकाल के चीर के भी रख दोगे ना एग्जामिनर के सामने, तब भी वो नंबर नहीं देगा। आप समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आए थे जीएस से, क्या हालत हुई, 25 में तो हवा ही नहीं लग रही थी कि कहाँ से आए हैं, था ऐसा। कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने, कितने फैक्ट्स पढ़े होंगे, कितने टेस्ट दिए होंगे, 75 ही थे जो सुने पड़े थे, बाकी तो 25 एकदम आउट ही थे, किताबों से भी बाहर। तो जीएस का ऐसा ही नेचर है, इसलिए हमें अपनी कमांड कहाँ करनी चाहिए, लास्ट के 3 पेपर में। जो लोग इस बार का मेंस देंगे वो अभी से हिंदी पढ़ना शुरू करें, हर हफ्ते एक निबंध लिखना शुरू करें, और एक चीज़ याद रखें कि इस बार का प्रीलिम्स का जो सिलेबस चेंज हुआ, तो अभी जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी सारा पैटर्न जो चेंज सिलेबस था उसका देखा। इसका मतलब है कि जो ऐसे के टॉपिक दिए हैं उन्होंने, ऐसे के टॉपिक वो इस बार हमें मेंस में आ सकते हैं, इसलिए उन टॉपिक्स को क्या करें, उनको तो एटलीस्ट तैयार करें। वो एक गाइडलाइंस दे दी, एक सिलेबस दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है ना। मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमानी से मेहनत करता है वो सफल जल्दी होता है। क्या होता है, उसको शीघ्र सफलता मिलती। तो लास्ट के 3 पेपर हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इतने स्ट्रांग कि हम हर पेपर में 90% स्कोर करें, और जो शुरू के पेपर हैं उनको एवरेज लेकर चलें, क्योंकि उसमें आप वही हमने बोला कि आप हनुमान जी की तरह खोल के भी रख दोगे कि देखो हमने कितना पढ़ा कितना पढ़ा, उसके बाद भी वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे पर्टिकुलर मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, क्योंकि वो एरिया ही इतना बड़ा है, क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं जो अपन ने कभी सुने ही, इतना विशाल विषय है। बिल्कुल लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, है ना। जो पेपर होता है मेंस में, कई लोग को डाउट रहता है, आप कोई भी, जैसे कि आपके टोटल 5 यूनिट है या टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो 5 में से किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल में करते थे कि जो बड़े क्वेश्चन थे उसको हम पहले कर लेते थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को बाद में करते थे, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सिक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। कर सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप 15 के पहले कर दो, कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, अपन उनको अच्छा अच्छा शुरू के क्वेश्चन को हम ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में जाके फिर हमें लगता है जल्दी जल्दी कर दो,
तो इसलिए जो बड़े क्वेश्चन है उनको पहले कर दो, 11-11 या 15-15 वाले, 6-6 वाले उसके बाद, और 3 दिन वाले सब। अगर लास्ट में 10-15 मिनट का भी टाइम बचा है तो आप 15 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि इन क्वेश्चन पेपर पे फोकस करो अच्छे से। नोट्स होने चाहिए आपके पास प्रॉपर, अच्छी किताबें होनी चाहिए, जैसे हिंदी की चंचल जैन की किताब अच्छी है, ठीक है। एक लूसेंट की बुक भी अच्छी है हिंदी की, वो आपके पास होनी चाहिए। और हिंदी को जो है ऐसा नहीं कि रटना है, उसको जीना है कि अरे हमें ये स्वर को ऐसे लगाते हैं, तो हाँ मतलब वो चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठनी चाहिए। और फिर ऐसे के लिए शुरू के पेपर की तैयारी ही आपको ऐसे में काम, ऐसे की अलग से कोई तैयारी होती नहीं, लेकिन हाँ ऐसे के लिखने के तरीका आपको पता होना चाहिए। वो 3-3 नंबर के प्रश्न रहते छोटे छोटे से, जैसे पूछ लिया हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, चारों अब आपको लिखना पड़ेगा। तो वो जैसे 3 नंबर की क्वेश्चन है ना ये, वैसे ही हिंदी में भी आते हैं, ठीक है। या स्वर को परिभाषित कीजिए, या संधि से आप क्या समझते हैं, ऐसे। ठीक है, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है जैसे आप, बस वहां आपको उसकी शब्द सीमा विस्तारित करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हिंदी बिना उदाहरण की कंप्लीट नहीं होती है। अगर संधि की परिभाषा लिखी है तो आपको उदाहरण देने पड़ेंगे। अब कुछ बहाने होंगे कि हिमालय और ये और वो, चार ऑप्शन लिख के आ गए। अगर हिमालय है तो उसमें कौन सी संधि है, उदाहरण देने का मतलब ये होता है, ठीक है। संधि कौन सी, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। समास का अगर क्वेश्चन पूछा, समास से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा आपने लिख दी और समास का नाम लिख के छोड़ना नहीं, वो कौन सा समास है, बहुब्रीय है, कर्मधार है, दिगु है, द्वंद है, तो वो आपको लिख कर आना है। ये होती है आप एग्जामिनर को पूरा सेटिस्फाई करके आए, ना कि उसको ऐसे ही कि अरे ले लो तुम एहसान करके आए, ऐसा नहीं करना है उधर, वो हम पे एहसान करेंगे, इसलिए हमें बहुत ही कृतज्ञ रहना है उनके प्रति, हम्बली अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। कहीं भी हमारी एरोगेंसी, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा ये सब नहीं दिखना चाहिए अपने आंसर शीट के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि जो मेंस में सिलेक्शन का एक ही फॉर्मूला है, HEE, ठीक है। ओके, ये लास्ट के 3 पेपर, इस पर अच्छी कमांड हो जाए आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 3 को एवरेज रखो, फिर भी कितना स्कोर कर रहे हैं हम शुरू के 3 में। तो शुरू के जो 3 पेपर हैं वो भी हम बता दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। लास्ट के 3 समझ में आ गए, किसमें ला ही नहीं सकते ना, वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, पास हो जाओ ना बहुत बड़ी बात, बेटे से कुछ नहीं होता, आप कहाँ ला सकते हैं, कहाँ आपका पोटेंशियल है, ये चीज मैटर करती है। उसमें आप एक एक सब्जेक्ट पर साल साल भर भी दोगे ना, तब भी पूरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए हम बोल रहे हैं। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तब भी यही था अभी भी यही। अब पार्ट ए और पार्ट बी, 150 मार्क्स और 150 मार्क्स, इसमें आप टोटल मिला के 150 ले आओ ना, यही बहुत बड़ी बात है। जो टॉपर्स की मार्कशीट देखोगे ना, कितने नंबर आए हैं उनके, 135, 140, 145, दोनों को मिला के, हाँ 300 में से ये पासिंग मार्क्स है 120, कितने मार्क्स है ये, इससे ज्यादा आए नहीं है। आप देख लो जाके कॉपी, मार्कशीट डली होंगी इंटरनेट पर ऑनलाइन, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के इससे ज्यादा नहीं आए। इसमें आप 150-160 का टारगेट लेके चल लो, बहुत, अगर इतने आ गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। UPSC में तो 53 और 56 नंबर आए हैं लोगों के, दोनों पेपर को मिला के। 250 में से कितने, 56, 57, 58 या 90, वहां पर क्वालिफिकेशन का कुछ नहीं है, ओवरऑल मिलाकर सिलेक्शन है UPSC में, यहाँ क्वालिफाई करना मस्ट है, ठीक है, इसलिए कुछ छोड़ नहीं सकते, वहां ओवरऑल सिलेक्शन होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, एंशिएंट मीडिवल मॉडर्न, इधर पर वर्ल्ड, इंडियन, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी एमपी है, प्लस चीज़ों को उस वे में लिख कर आना, ठीक है, और लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, वो कट कट का नंबर, हाँ 3 नंबर में यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, और यही वाले 3-3 नंबर के क्वेश्चन ही आपके मार्क्स को, फिर भी आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप आराम से इस सेक्शन में 145 to 155 का स्कोर लेकर चल सकते हो, कितने हम एटलीस्ट स्कोर फर्स्ट पेपर में तो आप कर ही सकते हैं, सेकंड पेपर फर्स्ट से थोड़ा चैलेंजिंग है, इसमें पॉलिटी और अभी इकोनॉमी है, पुराने में ऑर्गेनाइजेशन थे और हेल्थ वगैरह था, अब इसमें भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट 145 से 150 का टारगेट आप यहाँ पर भी लेकर चल सकते हैं, ये वो चीज़ हम बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, हाँ यार 200-250 नंबर हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो प्रैक्टिकल अभी तक तो किसी के नहीं आए, इसलिए हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, सबसे चैलेंजिंग है पास होने के लाले पड़ेंगे जीएस पेपर 3 में, हाँ ठीक है, और यहाँ पर बहुत चैलेंज है ये जीएस पेपर 3, अभी तो पूरा साइंस एंड टेक 2020 में 19 में साइंस टेक प्लस इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आप 130-135 तक भी स्कोर कर लें तो ये आपके लिए गुड लक, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी चैलेंजिंग है और साइंस एंड टेक भी, ऑप्शन देखकर आंसर लगाना प्लस वहाँ आंसर देख के चीज़ों को लिखना, ये दोनों ही अलग चीज़ है, इकोनॉमिक्स अभी अभी पूरा साइंस एंड टेक 10 यूनिट, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, 10 यूनिट है टोटल, पूरी साइंस है, ठीक है, इसलिए जब भी न्यूज़पेपर पढ़े तो साइंस एंड टेक वाला कॉर्नर बिल्कुल छोड़े ना, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग करते समय वही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, ठीक है, तो शुरू के पेपर में आप अगर शुरू में भी आपकी हालत ऐसी रही और लास्ट में भी ऐसी रही, कौन पास करेगा आपको ये बताओ, नहीं करेगा ना कोई भी, लेकिन एक जगह कमांड है तो, ठीक है, तो तैयारी हमेशा इसमें भी उल्टी करनी है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है ये, है ना, कि 4 दिन में एक एक सब्जेक्ट को 3-4 दिन में निपटा दिया अपन ने, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट कम से कम हिंदी पूरा होने में कम से कम 1-1.5 महीने, एथिक्स कम से कम 1.5 महीने, ऐसे कम से कम 15 क्लासेस, तब जाकर ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, पूरे होते हैं, और इससे डबल डबल आपको घर में मेहनत करनी है, ठीक है, तब कहीं आप यहाँ पर 180 और 70, ठीक है, फाल्कन, फाल्कन क्या क्या ऑप्शन है, फाल्कन एक फाल्कन की वो भी है, जल संधि भी है, पता नहीं ये तो, फाल्कन एक ट्रीटी भी है, समझौता भी है, ठीक है, बहुत सारे नाम है फाल्कन इंडिया में, ये तो फिर उत्तराखंड में होना चाहिए, क्या ऑप्शन है इसका, आंसर क्या दे रहा है, क्या नागालैंड, बता नहीं फिर इसका आंसर, इतने पॉइंट समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप तैयारी करो मेंस की तो थोड़ा सा
राइटिंग को लेके बता दीजिए, स्पीड कैसे बता रहे? क्या आपका क्या क्वेश्चन था? राइटिंग को लेकर एक बहुत ही कॉमन समस्या, दो समस्याएं हैं बेसिकली। एक तो राइटिंग खराब होती है, क्या होती है, आप लिखे और सीधा खुदा बाचे। इसके बाद इंसान की तो हैसियत ही नहीं है कि वो पढ़ ले, ठीक है, तो इतनी खराब भी हो जाती है। दूसरी होती है स्पेलिंग मिस्टेक, अशुद्धियां। आपके केस में ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं, आपकी राइटिंग भी अच्छी है और आप लिखते भी शुद्ध हैं, तो ये मेंस में पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। बाकी बहुत कुछ लोगों की राइटिंग काफी अच्छी है, जैसे एक सागर स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग तो ऐसी है कि जैसे प्रिंट कर दिया हो, ठीक है। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं कि एक तो लिखते राइटिंग बहुत खराब है, या राइटिंग तो ठीक है लेकिन इम्प्योरिटीज बहुत है, ठीक है। किसी भी चीज को जैसे कोई बुरा है तो ऐसा लिखेंगे, तो आधे लोग ये लिखते हैं, ये कौन सा शब्द है, कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग गलतियां करते हैं। इसके लिए क्या करना है, राइटिंग आपकी अच्छी दिखे तो हमेशा एक बात का याद रखो, कोई भी वर्ड हो उसको जितना गोल बना सकते हैं। पूरी हिंदी में गोल ही गोल चीज है, हर जगह क्या है, कुछ भी लिखना होगा क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना होगा तो आधा गोला बनाना पड़ेगा, फिर मतलब हर चीज में क्या है, हर वर्ड्स में आ लिखना है तो क्या करना है, गोल हर जगह है, ठीक है। तो जितना अच्छा आप गोला बना सकते हो, गोला ही जितने दे उतने वर्ड्स सुंदर लगेंगे। दूसरी चीज है राइटिंग सुधारने के लिए कि आपके शब्दों में समानता हो, क्या हो, जैसे ये कोई वर्ड लिख रहे हैं तो ये तो जो डंडियां बना रहे हो ना, अब कुछ एक डंडी इधर चली गई, एक इतनी सी है, फिर एक इधर चली गई, ऐसे नहीं, क्या होनी चाहिए, हाँ, जैसे कि आप लिख रहे हैं माँ, आप लिख रहे हैं का, आप लिख रहे हैं खा, तो क्या होनी चाहिए, ये वाली जो लाइन है ये बराबर होनी चाहिए। ये राइटिंग सुधारने का दूसरा तरीका है, गोलाई का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि शब्द जो आप लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड मान लीजिए आपने लिखा शब्द, तो ये तो पास पास हो, लेकिन जो नेक्स्ट लिखे वो थोड़ा सा, अब कुछ लोग इसी में चिपका के लिख देते हैं, ये नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब स्पीड तो आपको लिखते लिखने के साथ ही बढ़ेगी, बस और क्या, ठीक है। बाकी इंग्लिश में भी यही है कि बराबर वर्ड्स लिखने चाहिए, कर्सिव जो लिखते हैं वो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, अच्छा तो कर्स, हाँ कर्सिव नहीं लिखते हो ना, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, मेंस निकाल लोगे पहली बार में, अगर आपने ये चीज ध्यान में नहीं रखी तो 3-4 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि पहली बार में निकलो और ऑफिसर बनो, है ना। इतने पॉइंट समझ में आ गया, इधर तो कोई डाउट है किसी को, ठीक है। जिनको जो देर मतलब धीरे धीरे लिखते हैं वो घर में रोज 3-4 पेज लिखे और अपने स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई चिप लगा दो फटाफट हाथ चलने लगे मशीन की तरह, या रिमोट बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो नेचुरल ही आपके दिमाग की और आपके हाथ की बात है। तो आई थिंक मेन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स ही हो गए डिस्कस, बाकी अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप अंडरलाइन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई वर्ड आपको लग रहा है आप उसको हाईलाइट, बिल्कुल भी नहीं, पेन भी बस एक, इधर ब्लैक और ब्लू, इतना समय किसको कि हाईलाइटर करेंगे वहां पर, अलाउ नहीं है, ये सब चीजें अलाउ नहीं है। आधे लोग तो स्केल से लाइन खींचते हैं मेट के,
तो समय कैसे मिल जाता है इनको ये सब फालतू काम करने का? ये सब कुछ नहीं करना है उधर पे, ठीक है? ओके, तो अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्योंकि इंडिया से पूछा है, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई अलग से ऐसा उद्भव नहीं है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति था जिसने इंडियन इकोनॉमी को उठाया, लेकिन हाँ, वर्ल्ड में इकोनॉमी की शुरुआत करने का क्रेडिट एडम स्मिथ को जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। इनकी एक बुक आई थी बेल्स ऑफ नेशन, क्वेश्चन होता है ये बुक किसने लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। ओके, फादर ऑफ इकोनॉमी आंसर होगा एडम स्मिथ, ठीक है। ये बुक किस ईयर में लिखी गई थी? 1776 में बुक लिखी गई थी, हाँ, 4 जुलाई 1776, अमेरिका का इंडिपेंडेंट डे 4 जुलाई को है। अंग्रेजों का शासन था अमेरिका में भी, जैसे भारत में था ना, अभी तो अमेरिका जो है वो आजाद देश है और वहां पर अमेरिकन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। अर्थशास्त्र क्या पता चलता है? अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? हाँ, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक। हमने अर्थव्यवस्था लिखा, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक, दो अलग अलग शब्द हैं। एक है अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में MIC, एक है अर्थव्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। एक इकोनॉमिक है, दोनों ही अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये अर्थशास्त्र है और ये अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमी बोलते हैं। हम बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
जब हम इसमें किसी देश का नाम लगा देते हैं आगे, जैसे इंडिया लगा दिया तो इंडिया की क्या होगी? अब हम यहाँ इंडिया नहीं लगाएंगे, इंडिया इकोनॉमिक है, ऐसा बोलते हैं क्या कभी? क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कोई देश का नाम जुड़ जाए तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था हो जाती। अमेरिका का जोड़ेंगे तो इकोनॉमी ऑफ यूएसए, पाकिस्तान का जोड़ेंगे तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर देश के संदर्भ में उसको ना जोड़ के एज अ सब्जेक्ट जब हम उसको देखते हैं तो हम उसको इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, जब हम उसके बेसिक फंडे पढ़ते हैं तो हम उसे अर्थशास्त्र की तरह देखते हैं, एक किताब की तरह देखते हैं जो कि हर देश में एक जैसे लागू। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी देश से उसे जोड़ देते हैं, जैसे इंडिया से जोड़ दिया तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? कृषि प्रधान है। लेकिन जैसे हमने उसको इंग्लैंड से जोड़ा तो वहाँ की इकोनॉमी कैसी है? इंडस्ट्रियल बेस्ड है, उद्योग है। और यहाँ पर तो उद्योग और कृषि दोनों का विवरण यहाँ है। इकोनॉमिक्स में तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी होगी, कृषि प्रधान भी होगी, या जो भी अदर उस लोगों का व्यवसाय है वैसी होगी, वो सब कहाँ दिया है? लेकिन जिस पर्टिकुलर देश से है तो उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं? यही अंतर है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। आगे समझ में? मतलब है अर्थव्यवस्था एक इनकम्प्लीटेड वर्ड है, जब तक इसमें कोई देश ना जुड़े तब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था कैसा शब्द है? अविकसित शब्द है, जबकि अर्थशास्त्र कंप्लीट शब्द है, वो बताता है कि नहीं किस किस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी कब कंप्लीट होगा? जब उसके आगे किसी देश का नाम जुड़ेगा, किसी फर्म का नाम जुड़ेगा कि उसकी पर्टिकुलर इकोनॉमी क्या है। ओके, जबकि अर्थशास्त्र एक विषय है जहाँ अर्थव्यवस्था के संबंध में संपूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कभी पूछ लिया जाए आपसे कि आप अक्सर दो शब्द देखते हैं, एक इकोनॉमी देखते हैं और एक इकोनॉमिक्स देखते हैं, तो क्या ये दोनों एक हैं कि दोनों शब्द अलग अलग हैं? हिंदी में ट्रांसलेशन आता है, आपके सिलेबस में है ना, इंग्लिश में लिख दिया इकोनॉमिक, अब आप उसको अर्थव्यवस्था लिख कर आ गए तो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? और इकोनॉमी तो उसको आपको अर्थशास्त्र ही लिखना पड़ेगा। कभी तीन नंबर पे पूछ लिया अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ये दोनों ही पॉइंट। तीन नंबर में एक लिख दो बहुत है, एक लिख दो, एक एग्जाम्पल दे दो। नए पैटर्न के हिसाब से तो एक ही लिखना है, पुराने के हिसाब से दो लिख सकते हो। ठीक है, तीन नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, सबसे लास्ट में करो उनको। यहाँ भी हम पेपर दें तो बहुत ही कम लोग हैं जिनका पेपर कंप्लीट होता है, डेढ़ घंटे में पेपर छूट जाता है मैक्सिमम लोगों का। इसकी वजह यह है कि वो घर में प्रैक्टिस कभी करते नहीं है। ठीक है, एक स्टूडेंट है साक्षी, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, पेपर पूरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जब उनका, सबका हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करें। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करोगे तो पेपर हो जाएगा। लिखते रहोगे ना तब पेपर कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ या पॉइंट बनाकर लिखने की वजह चीजों को ज्यादा डायग्राम बनाकर समझा दो। ये सभी बातें तभी काम की है जब घर में कुछ करोगे, अदरवाइज ये तो
इस कान से सुनी और इससे तो निकालने से पहले ही निकल गई। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, मानव की आर्थिक गतिविधियों का स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ वर्ड है कि ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ये है क्या, ठीक है, अभी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हर परिभाषा में परिभाषाएं छुपी होती है, ठीक है। जब आप मेंस में आंसर लिखें तो अगर आपने कोई ऐसा शब्द उपयोग करा है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आप आगे उसको भी डिफाइन करें, ठीक है, उसको भी क्या करें, डिफाइन करें, क्योंकि आप बहुत बड़े थिंकर और विचारक नहीं हो कि लिख कर आ गए, डिफाइन करने की जवाबदारी एग्जामिनर की। थिंकर से ही करते क्या करते ऐसे खतरनाक खतरनाक शब्द उपयोग करते हैं, पढ़ने वाले का दिमाग ही खराब हो जाता है। डिक्शनरी में सर्च करो 10 जगह तब जाकर हमें, आप जीएस में एथिक्स में यूनिट नंबर 2 पढ़ना, अब वो यूनिट नंबर 1 हो गई है, जो थिंकर्स हैं ऐसी ऐसी बातें बोल के चले गए। तो अपन तो अभी थिंकर्स नहीं है कि हो कोई इसमें से, है ना, तो इसलिए उधर पर डिफाइन करके आओ कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है। तो सीधी सी बात है, ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज या ऐसी प्रैक्टिस जिससे वो या तो प्रॉफिट प्राप्त करता हो या तो लॉस प्राप्त करता हो, उसे या तो हानि हो या लाभ हो इकोनॉमिकली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक गतिविधि, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे कि गेहूं बेचना या गाय को पालना या दूध निकालना ये सब आर्थिक गतिविधियाँ, तो क्लास 2 का स्टैंडर्ड है, यहाँ ये नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, ईदर प्रॉफिट और लॉस। ऐसी एक्टिविटीज जिससे व्यक्ति को या तो लाभ या तो हानि होती है वो कौन सी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब लाभ हानि तो कितने सारे व्यवसाय है, अंडरस्टूड हो गया इसमें, तो आर्थिक गतिविधियों में लिख सकते हैं मानव द्वारा संपन्न ऐसी सारी मानव द्वारा संपन्न ऐसी सभी गतिविधियां, मानव द्वारा संपन्न ऐसी सभी गतिविधियां जिससे आर्थिक लाभ या हानि या जिसमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व विद्यमान हो, जिसमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल प्रॉफिट ऑफ लॉस, रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल प्रॉफिट और, अब यहाँ इकोनॉमिकल पहले लिख दिया, ये बहुत जरूरी है, अगर आपने सिर्फ लाभ और हानि लिख दिया ना तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी गतिविधियां होती है जिससे हमें लाभ या हानि होते रहते है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी दोस्त से लड़ाई हो गई तो वो दूर चला गया, बात नहीं करेगा, हानि हो गई, तो ये तो आर्थिक गतिविधि नहीं है कि है, अगर हमने आर्थिक शब्द लिखा दिया तो क्या हो गया कि नहीं, ये पैसे की कोई बिजनेस व्यवसाय की बात, अगर आपने ये वर्ड यूज नहीं करा तो एग्जामिनर को यही लगेगा कि पता नहीं कौन सी हानि हो गई इनको। फाइनेंशियल लगा सकते हैं लेकिन फाइनेंस से वो चीजें कुछ पर्टिकुलर एरिया तक रुक जाती है ना, लेकिन जब अपन इकोनॉमी लगा देते तो उसमें पॉलिटिकल ये सब सारी चीजें भी कवर हो जाती हैं उसमें। तो उन्हें क्या होता है, हाँ, आर्थिक लाभ या हानि के तत्व विद्वान हो तो आर्थिक गतिविधि कहलाती है।
इकोनॉमिक डील ऑल दीज एक्टिविटीज. अर्थशास्त्र इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करता है. इकोनॉमिक डील्स ऑल दीज एक्टिविटीज. अर्थशास्त्र इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करता है. ठीक है, तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आप कहीं रोजगार कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्री खोल रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे कोई माइनिंग कर रहे हो, सबसे आपका पर्पस क्या है, लास्ट पर्पस अर्निंग मनी. ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी. जैसे समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी. राजनीति का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस है. वैसे ही इकोनॉमी का अध्ययन अर्थशास्त्र है. अगली बात समझ में. तो ये तो बेसिक से क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई. किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में. ठीक है, धन से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां अर्थशास्त्र का केंद्र होती. ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी इज अ सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक. उसमें बैंक आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए. ठीक है, ओके. तो ये तो हो गई डिफरेंस. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस एग्जैक्टली सब्जेक्ट है क्या क्या? कल रिलेटेड टू मनी स्टडिंग अंडर द इकोनॉमिक, सॉरी. एडम स्मिथ किस देश के थे? स्कॉटलैंड. इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो एक बुक है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया. भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने दी है? एम विश्वेश्वर रैया, एम मोक्ष गुंडम विश्वेश्वर रैया. मोक्ष गुंडम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किताब का नाम. प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक है. इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वर रैया. '34 में पब्लिश हुई थी. 1934 पब्लिश हुई थी 1934.
इन्होंने 10 वर्षीय योजनाएं प्रपोज की थी इस बुक में. ही प्रपोज्ड अ 10-year प्लान विद द एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ द कंट्री. 10 वर्षीय योजना. टेन ईयर प्लान विद एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ द कंट्री का प्रस्ताव दिया था, जिसका उद्देश्य देश की आय को दोगुना करना था. 34 में दिया था तो 44 में देश की आय क्या हो जाए, डबल हो जाए. देश की आय को दो गुना करना था. एम विश्वेश्वरैया बहुत ही पॉपुलर इंजीनियर थे, नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर. ठीक है, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग या राष्ट्रीय अभियंता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाते हैं. किसका जन्मदिवस है ये? 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था. 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था एम विश्वेश्वरैया. और वो एक रेनाउंड इंडियन इंजीनियर थे और भारत के पहले इंजीनियर भी थे ये, इसलिए इनकी मेमोरी में हर साल क्या मनाते हैं, हाँ, नेशनल इंजीनियर डे. पंद्रह सितंबर को एक और डे मनाते हैं विश्व में, विश्व लोकतंत्र दिवस. 15 सितंबर को वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे भी मनाते हैं. विश्व लोकतंत्र दिवस. ठीक है, इनकी बहुत ये इंपॉर्टेंट बुक है जिसने इंडियन इकोनॉमी को एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन दिया. एक बुक आप पढ़ते हैं अर्थशास्त्र हिस्ट्री में, उसका इससे कोई रास्ता नाता नहीं है, ये बात याद रख लेना. अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त. विष्णु गुप्त वंश के एक राजा भी थे, वो मत समझ लेना. इनका नाम है चाणक्य. इनके पिता थे जिनका नाम था चणक, फादर का नेम क्या था, चणक. इन्हीं का एक और नाम मिलता है अंशुल, हाँ ये अंशु कौटिल्य का ही नाम था. इनका एक और नाम मिलता है अजय, ये सब कौटिल्य के नाम है. इनकी बुक है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका इस अर्थशास्त्र से कोई नाता नहीं है. ये राजनीति की बुक है, पॉलिटी. किसकी बुक है? मौर्यकालीन राजनीतिक. मेन फोकस किस पर है? मौर्यकाल की राजनीति. कौटिल्य की अर्थशास्त्र.
ट्रांसलेट किसने करा है इस बुक को? कुछ नाम याद है सर? अभी ये बुक मूल अवस्था में उपस्थित नहीं है, 15 अध्याय हैं इस बुक किताब के अंदर। भाग है, 15 चैप्टर्स हैं, 8 सब चैप्टर्स हैं, 6000 श्लोक इस किताब के अंदर। 3 नंबर पे क्वेश्चन लिखने को आया है अर्थशास्त्र पर, क्या लिखोगे? इतना सारा डेटा याद नहीं होगा तो। 8 सब चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स हैं, 600 श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं। पंद्रह अध्याय, 8 उपाध्याय, 6000 श्लोक, 3 नंबर में क्वेश्चन आप कम से कम कितने बार देखोगे इस किताब से? पता नहीं, पेपर उठा के देखा हो पुराने, 15 खंड, 8 उपखंड, 6000 श्लोक। एक ये बात है, दूसरी बात है ये किताब चंपू शैली में लिखी गई है। मीन्स गद्य और पद। अब ये हिंदी में इसको चंपू बोलते हैं, हिंदी का टॉप सब्जेक्ट है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ये तो हम तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हिंदी का ही सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? चंपू। इसको समझ सकते हैं कि पोएट्री फॉर्म भी है और पैराग्राफ फॉर्म भी है। गद्य और पद्य का मतलब क्या होता है कि पोएम के फॉर्म में भी है और पैराग्राफ्स भी है। गद्यांश पद्यांश पढ़े होंगे ना स्कूल में? तो ये वही तो लिखा है, गद्यांश और पद्यांश। और ये इससे पहले अपने यही बताया कि पोएट्री और पैराग्राफ्स का संयुक्त रूप है चंपू। याद आ जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये अन्य पुरुष में लिखी गई। एक होता है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैंने ये लिखा, एक होती है कि मैं आपके नाम से बात कर रही हूँ कि, और एक होता है कि ना मेरी ना आपकी बात, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो किस में लिखी गई है? अन्य पुरुष। काव्य और महाकाव्य पढ़े हैं आपने, उसमें आपने ये शैली पढ़ी होगी, कौन से पुरुष में लिखा है ये पढ़ा होगा आपने। हाँ, चंपू काव्य है ना। ठीक है, इसी किताब में सप्तांग सिद्धांत दिया है राजा का। कौन सा प्रिंसिपल दिया है? सप्तांग। अगर आपको 6 नंबर में भी, मतलब 5 में भी आ जाए क्वेश्चन, तो आप ये अर्थशास्त्र का आंसर लिख सकते हैं। सप्तांग प्रिंसिपल। इसमें राजा या किसी भी एम्पायर के 7 पार्ट हैं। क्या है? 7 अंग है सप्तांग सिद्धांत, 7 ऑर्गन प्रिंसिपल। हाँ, राज्य से की। ठीक है, सप्तांग बॉडी के जो ऑर्गन है 7 ऑर्गन, उनको स्टेट से कंपेयर करा है। तो क्वेश्चन आता है सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या होता है? चाणक्य या कौटिल्य। और आपके सिलेबस में थिंकर में भी कौटिल्य है ना, विचारक में, क्वालिटी वाले विचारक में है क्या कौटिल्य? पॉलिटी के पेपर पे थिंकर्स में होंगे, वही होंगे कौटिल्य।
ये इसलिए हमने बता दिया क्योंकि इसका इस अर्थशास्त्र से कोई रिश्ता, ये अर्थशास्त्र अलग है, मौर्य काल में इनके द्वारा लिखी गई बुक जिसकी थीम है राजनीति या पब्लिक एक्ट, राजनीति एवं लोक प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आप 6 नंबर में भी इस किताब को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे आगे। इतने पॉइंट समझ में आ गए। अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं सिलेबस का पॉइंट, क्योंकि सिलेबस तभी आप कर पाओगे जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होगा। क्या सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। कौन कौन से पॉइंट्स हो रहे हैं समझने के लिए, मेंस के पेपर का पहला पॉइंट क्या दिया है वो देख लेते हैं। जीएस पेपर 2 के पार्ट बी में यूनिट नंबर 1 में दिया हुआ है, भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। यूनिट 2 दिया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। 3 दिया है भारतीय रिजर्व बैंक और व्यापारी बैंकों के कार्य। 4 कर प्रणाली जिसमें जीएसटी वगैरह है। 5 पीडीएस। 6 इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब ठीक है। तो जो यूनिट नंबर 1 है उसको अगर आप 1 के फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने रैंडमली जो लिंक टॉपिक है जो पहले पढ़ना चाहिए था उसको बाद में, जो बाद में पढ़ना चाहिए उसको पहले दे दिया। तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हम सिक्वेंस से पढ़ेंगे, वो पार्ट यूनिट 1 में ही होगा, लेकिन पहले इकोनॉमी की क्या होनी चाहिए बेसिक। अब हम आपको हेडिंग डलवा के सीधे लिखा दें कि भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र लिखो, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से तो फिर कोई मतलब, इसलिए पहले बेसिक इंट्रोडक्शंस, उसके बाद फिर हम ये सारे टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया बेसिक से डेफिनेशन इसकी कि क्या है ये। अब हम देखते हैं आगे। हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिख चुके हैं। हेडिंग है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो जैसे आपसे पूछते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रकृति कैसी,
तो आप सीधे से बोल देते हैं मिक्स्ड बोलते हो, जिनको नहीं पता वो कहाँ से बोलेंगे। क्रेश कोर्स में हमने ये सब पढ़ा दिया था, है ना, कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसे हर देश की इकोनॉमी का एक नेचर होता है, लेकिन वो नेचर डिसाइड कैसे होता है, ठीक है। तो उसको इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी को तीन सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं। कितने सेक्शन है? पूरे इंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी सिर्फ तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली जो कैटेगरी है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ये क्लासिफिकेशन एडम स्मिथ ने दिया है, अभी लिखवा देंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी, यहीं पर है साम्यवादी। समाजवादी को सोशलिस्ट और इसको कम्युनिस्ट। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को चीन में कम्युनिस्ट बोलते हैं। चीन में क्या बोलते हैं? बाकी ये है एक ही, सोशलिज्म का ही चाइना में नाम क्या है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसे स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था और, है ना, स्टेट इकोनॉमी। तो स्टेट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट फॉर्म में है, लेकिन चीन में अब क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस अभी बताएंगे आगे। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, CPI। किसको लिखा हुआ है हिंदी में भी? साम्यवादी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि साम्यवादी विचारधारा किसने दी है, तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी किसने दी है, तो आंसर होगा एडम स्मिथ। इसको प्रपोज करा है एडम स्मिथ। छह नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है साम्यवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। पुराने पैटर्न के हिसाब से 6 नंबर पे और नए के हिसाब से 5 नंबर लिखना, तो आपको लगभग वैसे ही पड़ेगा। एडम स्मिथ, इसको दिया है कार्ल मार्क्स। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स। अंतिम है मिक्स्ड, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। जॉन मेनार्ड कीन्स, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, ये फैक्ट है। 3 नंबर में घर जाके आज इकोनॉमी का पेपर उठा के देखना, 3 नंबर में सिर्फ पूंजीवादी लिख के छोड़ा हुआ है, 3 नंबर में सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था, 3 नंबर में सिर्फ इंडिविजुअल, हर एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, और मिला देंगे तो
छह नंबर का। अगर इनमें अंतर पूछ लिया जाए तो वो 15 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। आगे बात समझ में? तो ये वो टॉपिक है जो 3, 6 और 15 तीनों में पूछा जा सकता है, ठीक है, चाहे पुराना पैटर्न हो चाहे नया, सिलेबस में है दोनों में। अब ये होती क्या है, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप मतलब नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में उस देश की सरकार का इंटरफेरेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जिन देशों में सरकार का कोई रोल नहीं है अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स डिसाइड करने में, उन देशों को हम पूंजीवादी देश कहते हैं। अब पूंजीवादी देशों में कौन होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति ही पूरा देश रन कर रहे होंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। ये एडम स्मिथ का मानना था कि सरकार का रोल जनता खुद डिसाइड करेगी वहां की इकोनॉमी कैसी है। कुछ लोग बहुत ऊपर चले गए, कुछ लोग बहुत, और जो गरीब थे उनका अमीर लोग शोषण करने लगे, जिसके बदौलत क्या शुरू हो गए, विद्रोह, मजदूर आंदोलन, मजदूर संघ, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे लोगों से तभी तो हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। कोई भी ओनर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितने भी पैसे क्यों ना कमा रहा हो, वो अपना लाभ देखेगा, वो ये देखेगा कि कम से कम पैसे में मैं इसको हायर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इससे, यही उसका मोटिव होगा ना, लाभ कमाना उसका भी उद्देश्य है। तो ऐसे ही पूंजीवाद में होता है कि समाज के जो निचले तबके हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं एक समय में, या तो वो देश छोड़ के भाग जाते हैं या वो जिंदा ही नहीं बचते, फिर सिर्फ अमीर ही लोग उस देश में रहते हैं, ठीक है। यूरोप में इसकी शुरुआत हुई, बहुत बड़ा गैप हुआ, इसलिए सारे आंदोलन यूरोप में हुए, ठीक है। पूंजीवाद मतलब पूंजीपतियों के हाथ में सारी आर्थिक बागडोर, ठीक है। ये एडम स्मिथ ने ये विचारधारा दी और ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जो रिच देश हैं वो सब यही अर्थव्यवस्था लेकर, क्योंकि जो नीचे के लोग थे उन्होंने सबको खुद खत्म हो गया, खुद चले गए, तो जिन सबके पास पैसे हैं सभी रिच हैं तो देश भी क्या हो गया। इज इट क्लियर? ये अर्थव्यवस्था कौन सी है? कैपिटलिस्ट, ठीक है। लेकिन जो दूसरे जो कम पूंजीवाद, मतलब जो ऐसे लोग थे जो कि पूंजीवाद में सरवाइव नहीं कर पाए, उनके साथ तो अनजस्टिस हुआ, उन्होंने खूब सारे ग्रुप बना लिए, संगठन बना लिए, और क्या हो गया, पूंजीपतियों का जीना हराम कर दिया, हड़तालें शुरू हो गई। अब हमने 10 फैक्ट्री भली लगा ली हो, काम करने के लिए लोग तो चाहिए कि हम अकेला कर लेंगे, सारे एम्प्लॉय चले जाए तो क्या होगा हमारा काम। तो यही चीज़ें हुई कहाँ पर, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बंद हो गए, ताला बंद हो गए, महीनों सालों हड़तालें चलती रही, ठीक है। तो ये अपनी बुक उन्होंने जो लिखी थी, कौन सी थी, वेल्थ ऑफ, उसी का क्या था, विचार था। उनका मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें जितनी भी संपत्ति होती है वो व्यक्ति उसकी खुद की होती है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, जो कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था से व्यथित होकर दिया, और ये जो दूसरा पॉइंट था, स्टेट क्या था, स्टेट इकोनॉमी लिखा था ना, हाँ, तो बहुत दुखी हो गए कार्ल मार्क्स कि पूंजीवाद ने पूरे जो सामान्य वर्ग, मजदूर वर्ग और जो छोटे निम्न वर्ग के लोग थे उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो अब ये उनकी हिमायत करने लगे, और इन्होंने जो व्यवस्था दी वो थी कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, सरकार सोचे कि इसको कितना देना है, इसको कितना नहीं देना है, सरकार पूंजीपतियों पर टैक्स लगाए और उनसे जो पैसा आ रहा है वो गरीब और जो ज़रूरतमंद है, शिक्षा, पानी, बिजली, रोड, ये घर उनको प्रोवाइड करे, इसी से क्या होगा, बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में दे दिए, चीन में कम्युनिस्ट है, वहाँ जन लोग कुछ कर ही नहीं सकते, राइट टू प्रॉपर्टी जीरो। अगर आपने अपना घर बनाया है कहीं और सरकार को प्रोजेक्ट शुरू करना है तो घर आपका 2 मिनट में तोड़ देंगे,
यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब तक आप खुद एग्री नहीं हो जाते, आपकी दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती रहने के लिए, धरना स्ट्राइक आप कर सकते हो। उधर जो धरने पे बैठा है उसी पे मशीन चढ़ा के घर तोड़ के बोलेंगे आपकी समाधि पे ही बनेगा, बनेगा जरूर। इतने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, क्योंकि पूरे अधिकार किसके पास है, आर्थिक अधिकार सरकार के पास, इसलिए आप वहां पर स्ट्राइक और ये सब कर नहीं सकते। सरकार ने बोला ये तो वैसा ही होगा, कुछ भी उसमें ना स्ट्राइक की गुंजाइश है, ना धरने की गुंजाइश है, ना कुछ। मीडिया भी सरकार की तरफ है, हमारे यहाँ तो मीडिया, कोई इंसान नहीं रो रहा है तो उसको आंसू बोलते निकाल जैसे तैसे, है ना, क्लिपिंग ले रहे हैं, टीवी में चलेगी ये होगा, तो बनाते हैं, जनता को फेवर करने की कोशिश करते हैं, सरकार को नीचे दिखाने की। उधर पर ऐसा नहीं है, किसका फेवर ही दिखाएंगे, गवर्नमेंट का। तो जिस पर अब ये एकदम पूंजीपतियों का समर्थन कर रही है, ये एकदम सरकार, दोनों ही ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी न किसी का नुकसान छुपा था। फिर 1927 में ग्रेट डिप्रेशन आया, विश्व में मंदी आ गई, पैसे की बहुत ही बुरी, या तो बहुत पैसा है, कुछ पैसा नहीं। इसी स्थिति में एक इकोनॉमिक्स हुए हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने कहा ना तो पूरा तरह से पूंजीवादी सही है, ना तो पूरी तरह से समाजवादी सही, इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है, कुछ अधिकार पूंजीपतियों के पास भी हो, कुछ सरकार के पास भी, और क्या बन गई, जो देश अंग्रेजों के गुलाम थे और आजाद हुए 1947 के बाद, लगभग सब ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, भारत भी उसमें से ही एक था। इज दैट क्लियर? तो ये फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है जो कि किसने दी है, कीन्स ने, और ये अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बात समझ में, मतलब जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होंगे उन पर राज्य का भी नियंत्रण होगा और उन पर किसका, सरकार का नियंत्रण भी होगा और पूंजीपतियों का भी होगा, ठीक। इधर पे कोई डाउट है, क्या है अनुज, तीनों अर्थव्यवस्था समझा दो एक बार, अनुज आप ही का नाम है क्या, आंसर दो, तीनों अच्छा, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल बताओ तीनों इकोनॉमी के, कुछ कुछ कैपिटलिस्ट के कौन कौन से देश है, कैपिटलिस्ट पूछ रहे हैं, मिक्स बता रहे हो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा, मेक्सिको, ये सब ठीक है, भारत के साथ और भारत के बाद जो आजाद हुए वो सब मिक्स्ड, चीन सोशलिस्ट, रशिया में सोशलिज्म था, अभी भी काफी हद तक फॉलो करते हैं, जो ये वाली इकोनॉमी है रूसी क्रांति के साथ जन्म 1917, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। हाँ, विश्व इतिहास में पढ़ी होगी ना, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो ये तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन, इनको लिखेंगे भी खैर अपन विस्तार से। जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो, इकोनॉमिक्स में रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना, बाकी इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम।